जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम बच्चों, आज जो हम लेसन समझने जा रहे हैं ना, वो है जंगल में फेसबुक। हमने जब ये लेसन पढ़ा था तो हमने सुना समझा था कि अभी जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है उसके साथ सभी को आगे बढ़ना है, और ये जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं अभी, इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, ये नया नया सब कुछ जान सकते हैं। तो ये जंगल में भी ऐसा हुआ एक बार कि जंगल में एक खरगोश रहता था, जंगल का नाम था सुंदरवन। तो ये जो पार्ट 5 है हमारा जंगल में फेसबुक, ये हमारे परिवेश में से है पार्ट 5। तो सुंदरवन में एक खरगोश रहता था, वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। और जंगल के सभी पशु पक्षी थे ना, वो खरगोश का बहुत मान रखते थे। जंगल में कभी भी कोई मुसीबत आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो क्या करते थे, खरगोश के पास जाते थे और अपनी समस्याओं का बहुत ध्यान से निराकरण लेते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बार खरगोश वन में घूम रहा था, तभी उसने पेड़ के नीचे एक गिलहरी को रोते हुए देखा। गिलहरी रो रही थी। उसने गिलहरी से पूछा कि क्यों रो रही हो बहन, क्या हो गया है? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। क्या कहता है, कहा गिलहरी ने कि गिलहरी की माँ है वो शहर में रहती है, अकेली रहती है, यहाँ से बहुत दूर है। तो फिर क्या हुआ, यह कहती है रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है, बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई। वो कहती है कि मेरी माँ जब अकेली रहती है शहर में और बहुत दिन हो गए उसकी खबर नहीं आई। क्यों खबर नहीं आई, क्योंकि जंगल का टेलीफोन खराब था। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उतनी ही देर में वो आगे गया तो आगे उसने क्या देखा कि दो चूहे आपस में बात कर रहे थे और दोनों दुखी थे। क्यों, क्योंकि वे अपने मित्र और संबंधियों का समाचार न मिलने से बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि जंगल का फोन तो खराब था, टेलीफोन तो खराब था, इसलिए इस तरह जंगल के कभी कहीं पशु पक्षी थे ना, वो लोग उदास थे क्योंकि उनको अपने सगे संबंधी किसी की भी खबर नहीं मिल रही थी। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। खरगोश बेचैन हो गया क्योंकि उसे देखते थे कि सब पशु प्राणी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दुखी है। वो सभी क्यों दुखी है भाई, क्योंकि उनको कोई समाचार नहीं मिल रहा है अपने सगे संबंधियों का किसी का भी, इसलिए वो लोग दुखी है। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो कैसे चलेगा,
कि मेरे सभी दोस्त दुखी है, ऐसा खरगोश ने सोचा। अगले दिन सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सभी को बोल दिया कि चलो आप बरगद के पेड़ है ना, उसके पास आ जाना सब एक साथ। उसने सभी को बताया कि जो हमारे सबकी समस्या है कि हमारा जंगल का टेलीफोन खराब है, तो हमने उसका एक उपाय सुझा है, हमने उपाय ढूंढ निकाला है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे और उसने पूछा सभी ने एक साथ, कैसा उपाय? उसने कहा कि कैसा उपाय आपने निकाला है भाई, आप कहते हो कि आपने उपाय निकाल लिया है। सभी ने कहा कैसा उपाय, सब ने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, साथियों समय के साथ चलने में ही सबकी भलाई है, इसलिए क्यों न हम जंगल में इंटरनेट का प्रयोग करें। वो कहता है खरगोश कि हमें जंगल में नेट का उपयोग करना है, क्योंकि अब सभी जगह नेट हो गई है, सभी नेट का यूज़ कर रहे हैं और हम भी टेलीफोन में पड़े हैं, तो हमें भी दुनिया के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो फ़ोन है, टेलीफोन है, उसके बदले अब हम नेट इंटरनेट के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने सगे संबंधियों के साथ बातचीत कर सके, उसको अपनी फ़ोटो भी भेज सके, और हम ऐसा कुछ करें। हम जो अभी हमारे सगे संबंधी सब हैं ना, वो कहते हैं हम हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तभी क्या हुआ कि तोता है ना, वो फुदकते हुए बोला, ऐसे जम करके फिर बैठ गया और बोला, पर दादा सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। उसने कहा कि ये सब तो हम फ़ोन के द्वारा भी कर सकते हैं, हमें उसके लिए इंटरनेट क्यों चाहिए भला? तब खरगोश ने कहा कि इंटरनेट की आने की वजह से हम लोग एक दूसरे को देख सकेंगे, हमारे सगे संबंधियों के साथ उसकी तस्वीरें भी हम देख सकते हैं, उसको भी हम आमने सामने देख सकते हैं। तो ये इसलिए अभी जो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है नेट के माध्यम से, हमें भी जंगल में इंटरनेट लगा लेना चाहिए। सभी पशु पक्षी एक दूसरे के सामने देखने लगे और एक दूसरे के सामने देखकर कुछ सोचने लगे कि भई ये। खरगोश फिर बोला, साथियों यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपनी ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं। उसने कहा हम कहीं से भी हमारी ईमेल की चिट्ठी भेज सकते हैं, कहीं पर भी हम पा सकते हैं, और आजकल तो मनुष्य ने इतनी उन्नति कर ली है वो इंटरनेट पर कि उसने तो फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है। और हम भी अब क्या करेंगे कि हमारे जंगल में ये जो है ना इंटरनेट, तो वो हम लगा देंगे, तो हम सभी इस सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बाद में अगर जो किसी का जन्मदिन हो तो ये नहीं करना पड़ेगा। क्या कहा खरगोश ने कि हमें पत्रिकाएं छपवा कर एक दूसरे को भेजनी नहीं पड़ेगी, मगर हम डायरेक्ट ईमेल से वो भेज सकते हैं, ऐसा खरगोश ने समझाया। सचमुच सब पशु पक्षी बहुत खुश हो गए। उसने सोचा, अरे ये तो सचमुच कमाल का विचार है। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगवाने का आदेश दे दिया। सभी पशु पक्षियों ने अपना ईमेल का पता बनाया, सबने अपना ईमेल एड्रेस बना लिया और सब इंटरनेट का मजा लेने लगे। तो ये जो है ना, तो सभी पशु पक्षियों ने ये जाना कि इंटरनेट की सुविधा क्या है, इंटरनेट से क्या कर सकते हैं।
अब सभी पशु पक्षियों, मित्रों और सगे संबंधियों को चिट्ठी और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र भी मिल गए थे। उनके सब जो फेसबुक के माध्यम से जो एक दूसरे को जब फाइल ओपन करते हैं तो देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये तो हमारा मित्र था, तो ये एक दूसरे को मिल सकते हैं। और पुराने मित्र भी मिलते हैं। अब अभी तो हम फोटो भेजते हैं, वीडियो भी भेजते हैं, तो वो सब सुविधाएं इंटरनेट से है।